अस्सलाम नाजरीन, मैम आपका मेजबान आराम से देख के स्टार्ट। अस्सलाम नाजरीन, मैम आपका मेजबान सामा जी। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कदाफी स्टेडियम अलहमरा हाल, जहां पर आज फाहद भाई सारी कवरेज करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, ब्यूटिशियन से जो है उनके सवाल पूछेंगे और गाने भी सुनेंगे। तो यहाँ पर पंजाब कल्चर एसोसिएशन की जानिब से बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है, जिसमें लाहौर भर से सिंगर भी आ रहे हैं, ब्यूटिशियन भी आ रहे हैं और म्यूजिशियन भी आ रहे हैं। लाहौर क्या, पंजाब क्या, पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं। जी फाज भाई, आप बताएं आज आप क्या बहुत अच्छी कवरेज करेंगे। जी इंशाल्लाह जी, आज हम पूरी कवरेज करने जा रहे हैं और इंटरव्यूज भी करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं वो बात करना चाहूंगा जिनकी तरफ से मुझे बहुत आला किस्म का एक्सपीरियंस होने जा रहा है, जो कि लाइबा खान स्टेज ड्रामा की आर्टिस्ट मौजूद है यहाँ पे। सुना है कि वो जो है बहुत अजीब किस्म की, मतलब वो है कि वो बात करते करते आपको इंटरव्यू में ऐसा इंटरटेन करती है कि हमारी देखने वाली वहां भी जो है इंटरटेन होती है, कन्फ्यूज भी होती है, एंटरटेन भी होती है। तो देखते हैं आज मेरे साथ क्या होता है, मैं कन्फ्यूज होता हूँ या नहीं होता। तो बाकी हमारी बहुत प्यारी सिंगर, हमारी प्यारी सिंगर जो है वो क्या कहते हैं, किरण जारा भी मौजूद है, सराइके सिंगर मौजूद हैं और हमारे उस्मान साहब भी मौजूद हैं और ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ये क्या कहना चाहते हैं जी उस्मान भाई, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? यही कहना चाहेंगे, देखते हैं अंदर जल के, देखते हैं कि कितने सिंगर आए हुए हैं, उनके गाने शाने सुनते हैं, व्लॉग में डालते हैं, रिकॉर्ड शिकॉर्ड करते हैं। और फहद भाई मीडिया कवरेज में हमारे समाज साहब मौजूद हैं, फहद भाई भी मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह बाकी आपको भी लोग पूरा देखिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। तो जी गाइस, आपको बहुत अच्छा व्लॉग मिलने वाला है, देखिए पूरा एंड तक, स्किप मत कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। अल्लाह हाफिज। लाइबा खान ने इंटरव्यू देखना नाजमी। जी गाइस, हमारे साथ नासिर बहराज साहब, पंजाब से ताल्लुक रखने वाले, और लाइबा खान साहब जो स्टेज दा कर। मैं ये बताऊंगी आज जिन्ना वड्डा पूंड है ना, तेनू इंटरव्यू नहीं लेना आंदा। गाइस लाइबा खान, हम लोगों को पता है कि सोशल मीडिया पे मेरे उल्टे पुल्टे डायलॉग चलते हैं। आज विलियम्स वीडियो क्यों गई है, मैं बेचारे एंकरों की वाट लगा देती हूँ। अब ये नया एंकर है, इसकी वाट ना लगाऊं तो क्या लगाऊं, आप बताएं। इसको डंडा ही छोटा पकड़ा हुआ इसने। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहूंगा, मैं कहूंगा जनाब के आज का शो बहुत अच्छा, बहुत बुरा शो। और क्यों एवं बस की करिए, विंगे शो वाज अजीब से पंगड़ा पाए, अजीब से ढोल पाए। चले जी, चलो जी, वीडियो जी सर, सर जी मैं इन्नी करा ली, थोड़ा टाइम तो आल दे। गाना सुनाओ। जी जी सर, हुक्म करें सर, बताएं आज का प्रोग्राम कैसा रहा आपका? बस यार देखो नहीं गाना गान लगा ना आप, तो पता जी, जी गाना सुनते हैं जी इनसे, तो देखते हैं कैसा गाना आपको पसंद आता है कि नहीं। नचना है सजना दे नाल हाथ फाड़ के, नचना है सजना दे नाल हाथ फाड़ के, ओ डीजे वाले आला दे पंजाबी भंगड़ा, ओ डीजे वाले आला दे पंजाबी भंगड़ा, डांस फ्लोर उत्ते जेड़ा जेड़ा आवेगा, सारी सारी रात वेखी नच के भी खावेगा। मैं जद नचना ते थक जाना सब ने, होर भी मच जाना पंग अग ने, डीजे वाले आला दे पंजाबी भंगड़ा, पाकिस्तान जिंदाबाद। वीडियो मेरे पे हुई है और बहुत अच्छा गाना है। नासिर बराज साहब ने हमेशा परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है, और जैसे आप लोग देखते हैं कि कजाफी में बहुत से लोग आते हैं, चैनल जितने भी हों वायरल होते हैं, लेकिन हम ये दुआ करेंगे इस बच्चे को भी अल्लाह पाक कामयाबियां दे। आमीन आमीन। जी गाइज, हमारे साथ मैडम मुसाना यूसुफ मौजूद हैं, सिंगर हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि आज का इनका प्रोग्राम कैसा रहा, एक्सपीरियंस पूछते हैं इनका। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक है मैडम, आज के प्रोग्राम के हवाले से बताएं। मैं ठीक हूँ। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, बहुत इंजॉय किया सबने, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा सिंग किया, लेकिन जो सबसे अच्छा परफॉर्म था वो जो बच्ची थी दुआ जहरा, उसका बहुत अच्छा मुझे लगा। मतलब बाकी सब ठीक था, बहुत अच्छा मज़ा आया, लेकिन उसका एक हटके था, उसके मतलब जितनी एज है उसने उससे भर के मतलब अपना काम दिखाया, बहुत अच्छा मुझे लगा। मुझे तो मैंने सबसे ज़्यादा इस प्रोग्राम में इंजॉय सिर्फ दुआ जहरा को किया। जी वो भी अपने फादर के साथ आई हुई थी और उनके फादर ने उनको सपोर्ट किया है माशाल्लाह। यहाँ पे एक और मैंने फिल्म स्टार हैं
उनसे भी मैंने बात की है, उनकी भी वालदा ने उनको सपोर्ट किया है। तो मैडम आप बताएं, क्या घर वालों को इस तरह सपोर्ट करना चाहिए जैसे आपने उन बच्ची की तारीफ की है, तो सपोर्ट करना चाहिए घर वालों को? बिल्कुल, जिसके पास टैलेंट हो उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर घर वाले सपोर्ट करते हैं ना तो वो बेस्ट है, जब टैलेंट हो तो फिर सपोर्ट तो बनती है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मैडम ज़ोया, तो इनसे पूछते हैं कि इनका आज का प्रोग्राम कैसा रहा, सिंगिंग के हवाले से आज प्रोग्राम था तो इनका उसमें क्या रोल था और इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम बताइए, आपका आज का इस म्यूज़िकल शो में एक्सपीरियंस क्या रहा, आपका क्या रोल था? मैं मैनेजमेंट खुद करती हूँ, जो भी प्रोग्राम होता है यासिन गाजी साहब के साथ होती हूँ, मैं खुद भी एक एंकर हूँ और हम जो जितने भी प्रोग्राम होते हैं यासिन साहब करवाते हैं उसकी मैनेजमेंट मैं खुद हूँ और मैं खुद करवाती हूँ। तो मैडम आज के एक्सपीरियंस के हवाले से बताएं कि आपको प्रोग्राम के हवाले से कि आज आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे यासिन साहब के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है और मैं खुद भी एक एंकर हूँ 15 टीवी न्यूज़ चैनल की, यासिन साहब के साथ होती हूँ मैं। और तो मैडम ये भी बताइएगा कि यहाँ पे जो इनविटेशंस वगैरह दिए हैं, जारी बात है आपका मैनेजमेंट का काम है, तो इनविटेशंस आपने उनको सेंड किए होंगे, तो उसका क्या तरीक़ेकार है, कौन कौन आज मेहमान मौजूद था? वो यासिन साहब थे, डॉक्टर अदरीस साहब थे और भी काफ़ी लोग थे और मैं खुद भी थी। जी ठीक। तो जी नाज़रीन हमारे साथ थी ये मैडम, तो अब दें इजाज़त, मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए जगह पे और नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।